पार्टी पुलिस द्वारा बड़वानी जिले के हाट बाजारों में महिलाओं से चांदी के गहनों की ठगी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। चांदी के जेवर सहित 2,60,000 की मशरूका जब्त की है। पार्टी पुलिस द्वारा महिलाओं के गहने चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार 8 अगस्त को फरियादी महिला ने एक शिकायती आवेदन पत्र थाना पार्टी पर पेश किया था, जिसमें लेख किया है कि वह ग्राम बोधी रहती है। 7 अगस्त को पार्टी बाजार बस स्टैंड के पास बाजार में सब्जी बेच रही थी, तभी उसके पास एक महिला व एक पुरुष आए और उससे बातचीत की और उसकी लड़की सीमा की देवरानी होकर रिश्तेदार होना बताया है। बातों ही बातों में उसको बोला कि मुझे फोटो खिंचवाना है और तुम मुझे तुम्हारे चांदी के गहने दे दो, मैं फोटो खिंचवा कर वापस कर दूंगी। महिला उक्त ठग महिला की बातों में आकर उसके शरीर पर पहनी चांदी की ताकली हटेक कड़े जेवरात निकालकर उसको फोटो खिंचवाने के लिए दे दिए। ठग महिला एवं उसका साथी फोटो स्टूडियो फोटो खिंचवाने का बहाना बनाकर उक्त महिला की नजर चुराकर बाजार में भीड़ का फायदा उठाकर उक्त चांदी के जेवर, एक चांदी की तागली, 2 चांदी के हटके, 2 चांदी के कड़े जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए की लगभग है, इसे जेवरात की ठगी करके रफू चक्कर हो गए और उक्त घटना की सूचना पर थाना पाटी पर अपराध क्रमांक 292/22 धारा 420 भादवी का अपराध अज्ञात महिला व पुरुष के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त ठगी की घटना को जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी पार्टी को ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पार्टी आर की लोवंत्री द्वारा विवेचना हेतु एक टीम गठित की गई। इस दौरान विवेचना करते हुए मुखबिर की सूचना पर सेंधवा क्षेत्र में तलाश करते ठगी करने वाले गिरोह की महिला ठग बस स्टैंड सेंधवा पर होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल दबिश देकर उक्त ठग महिला से पूछताछ करते उसने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसको सेंधवा से गिरफ्तार कर आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया गया। ठगी की घटना में चांदी के गहने कीमती 1,80,000 रुपए एवं 2 मोटरसाइकिल कीमती 80,000 रुपए की जब्त की गई। ठग महिला ने अपने पति के अलावा अन्य 5 साथियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। पूरी गैंग में 2 महिला एवं 5 पुरुष थे, जो हाट बाजार वाले कस्बों को अपराध के लिए चुनते थे। बाजार में घूम फिर कर ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को ठगी का शिकार बनाते थे। प्रकरण में अभी तक आरोपिया महिला एवं उसके पति एवं अन्य 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की है, जिसके द्वारा थाना बड़वानी, सिलावद, पलसूद में भी ठगी करने की घटनाएं स्वीकार की है। आरोपी ठग महिला एवं उसके पति एवं 2 अन्य साथी आरोपियों को न्यायालय बड़वानी पेश किया गया। गिरोह के अन्य 3 सदस्य वर्तमान में फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। सभी आरोपी सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम टनकी रानी, ग्राम नकटी रानी, आंचली गांव के निवासी है और कार्यवाही में उपनिरीक्षक आर के लोवंशी, थाना प्रभारी पाटी, सहायक उपनिरीक्षक अजीत शेख, सहायक उपनिरीक्षक जगदीश बांसली, आरक्षक रविन्द्र मंडलोई, अंतर सिंह रावत, महिला आरक्षक दूना निगवाल का विशेष योगदान रहा। RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।